नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? अच्छा करता हूँ, आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आप भी फोन पे एप्लीकेशन चलाते हो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप भी फोन पे एप्लीकेशन से ट्रेन की टिकट बुकिंग कराना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे यहाँ पे आप जो है फोन पे एप्लीकेशन का यूज़ करके ट्रेन की टिकट बुक करा सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे अपनी सिटी डालनी है और यहाँ पे कौन सा जो डेस्टिनेशन है, कहाँ पे आपको जाना है, वो यहाँ पे डालना है। देन सिंपल से प्रोसेस है, सिंपल से स्टेप्स है जिनको आप फॉलो करना है, और यहाँ पे आप जो है फोन पे एप्लीकेशन से आसानी से अपनी ट्रेन की टिकट यहाँ पे बुकिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा आपको प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे आपको पेमेंट करना है, कैसे आपको लॉगिन करना है, कैसे सब चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा, कैसे आपके पास ईमेल आएगा, और यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेशन को स्टार्ट कर आपको बता दूँ कि कैसे यहाँ पे आप जो है फोन पे एप्लीकेशन की का यूज़ करके यहाँ पे ट्रेन की टिकट बुकिंग करा सकते हैं। दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन की मदद से यहाँ पे ट्रेन की टिकट बुक कराने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको फोन पे एप्लीकेशन ओपन करना है। फोन पे एप्लीकेशन ओपन करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे आना है, नीचे आएंगे थोड़ा सा, यहाँ पे नीचे आएंगे और देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा, टिकट बुकिंग का सेक्शन दिखाई देगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फ्लाइट का ऑप्शन दिखाई देगा, बस का ऑप्शन दिखाई देगा, ट्रेन का ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पे होटल्स का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको ट्रेन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे ट्रेन वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे एरो बताता हूँ, देखिए ये ट्रेन का एक ऑप्शन है, तो ट्रेन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो फोन पे एप्लीकेशन से यहाँ पे ट्रेन की टिकट बुक करने के लिए, यहाँ पे ट्रेन टिकट बुक करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऊपर ही ऊपर यहाँ पे आपको आपका जो है सिटी यहाँ पे डाल देनी है कि कौन सी सिटी से आपको यहाँ पे बुक करानी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं जयपुर में रहता हूँ, तो मैंने जयपुर यहाँ पे डाल दिया। तो जयपुर मैंने डाला, तो देखिए यहाँ पे जयपुर के यहाँ पे सारे आ चुके हैं। जयपुर ऑल स्टेशन आ चुका है, जयपुर गांधीनगर आ चुका है, जयपुर जंक्शन आ चुका है, तो यहाँ पे ये सारे आ चुके हैं। तो मेरे को कहाँ से बुकिंग करवानी है, ठीक है? तो आपका जो भी नियरली जो सबसे पास में जो स्टेशन रेलवे स्टेशन पड़ता है वहाँ से आप बुक कराइए। तो जैसे मैं मानसरोवर में रहता हूँ, तो मेरा यहाँ पे गांधीनगर यहाँ पे पास में पड़ता है और जयपुर जंक्शन थोड़ा आगे पड़ जाता है, तो मैंने फॉर एग्जांपल मैंने गांधीनगर का यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह से आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आपकी सिटी यहाँ पे डाल देनी है, जिस भी सिटी में आप रहते हैं, और यहाँ पे आपका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो यहाँ पे डाल दीजिए। अब यहाँ पे आपको कहाँ जाना है, जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है या मुंबई जाना है, बेंगलोर जाना है, कहाँ जाना है? तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे को दिल्ली में जाना है, और दिल्ली में मेरे को कहाँ उतरना है? तो देखिए ऑल स्टेशन है ये, दिल्ली में आनंद विहार वाला स्टेशन है, दिल्ली कनॉट प्लेस का है। तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल मेरे को आनंद विहार वाले स्टेशन पे उतरना है, तो मैंने आनंद विहार यहाँ पे डाल दिया। अब देखिए दोस्तों आज है अप्रैल, यहाँ पे चल रही है 5 अप्रैल, यहाँ पे डेट है। तो यहाँ पे आपको ये पूछेगा, कैलेंडर पे आपको क्लिक करना है और ये आपसे पूछेगा कि कौन सी तारीख को आपको बुकिंग करानी है, ठीक है? तो आज यहाँ पे 5 अप्रैल है, जैसे मान लीजिए आपको नेक्स्ट मंथ जाना है, आपको अगले महीने जाना है, और अगले महीने आपको यहाँ पे 20 तारीख की बुकिंग करानी है या फिर 27 तारीख की बुकिंग करानी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है मैंने चूज कर लिया, ठीक है, मेरे को फॉर एग्जांपल 27 की बुकिंग करानी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, ऑप्शन फॉर फ्री कैंसिलेशन एंड गेट रिफंड। तो यहाँ पे आपको आई बटन पे क्लिक करना है, तो ये आपको बोलेगा, देखिए FCF का मतलब होता है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपकी जो जब क्या होता है कि जैसे FCF इज ए कन्फर्म टिकट फ्री कैंसिलेशन सर्विस वेयर यू गेट अ फुल ट्रेन फेयर रिफंड ऑन योर ट्रेन टिकट कैंसिलेशन। जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पे बुकिंग कराते हैं और जैसे मान लीजिए अगर आपने अपना जो है मन जो है कैंसिल करते हैं और यहाँ पे आप जाना कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे ट्रेन के थ्रू, यहाँ पे यात्रा करने के लिए कैंसिल कर किसी कारण की वजह से यहाँ पे कैंसिल करनी पड़ती है, तो यहाँ पे आपको उसका रिफंड मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे फुल रिफंड तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मिलता नहीं है, आपको कैंसिलेशन का रिफंड मिलता है। अगर आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो इन्फॉर्मेशन इसके पूरे के बारे में बताऊंगा कि यहाँ पे आपको कितना इसमें रिफंड मिलता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने 400 रुपए की कोई टिकट बुकिंग कराइए तो यहाँ पे आपको कितना रिफंड मिलता है, ठीक है? यहाँ पे है ना पूरा आपको रिफंड नहीं मिलता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन के जो चार्जेस होते हैं वो यहाँ पे आपको नहीं लगते हैं, बाकी IRCTC के जो चार्जेस वगैरह लगते हैं वो नॉर्मल कुछ चार्जेस इसमें लगते हैं, बाकी आपको कैंसिलेशन के कुछ 200-250 रुपए यहाँ पे सेव हो जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं इसके आपको इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया ऑप्शन फॉर फ्री कैंसिलेशन, मैंने देखिए ये जो है टिक कर दिया, ठीक है? तो ये मैंने इस पर कर दिया ऑप्शन ऑप्ट फॉर फ्री कैंसिलेशन एंड गेट फुल रिफंड, इस पर मैंने टिक कर दिया और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो इन्फॉर्मेशन में होपफुली बताऊंगा कि यहाँ पे आपको कितना रिफंड यहाँ पे मिलता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपने 400 रुपए की बुक कराई तो 400 रुपए में कितना आपको रिफंड मिला, 500 रुपए की ट्रेन की टिकट बुक कराई तो 500 रुपए में कितना आपको रिफंड मिलेगा वो बताऊंगा, ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपने डाल दिया, इसके बाद सर्च ट्रेन का एक ऑप्शन यहाँ पे दिखा देगा, सर्च ट्रेन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। तो सर्च ट्रेन वाले ऑप्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 27 तारीख यहाँ पे आ चुकी है, जितनी सारी ट्रेन है वो यहाँ पे आ चुकी है। आप सबसे पहले तो यहाँ ध्यान रखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ट्रेन की यहाँ पे आ चुकी है, जैसे मंदोरी एक्सप्रेस है, ये सबीब NDLS राज एक्सप्रेस है, ये आश्रम एक्सप्रेस है, ये दी गरीब रथ है, और इसके बाद नीचे ये डबल डेकर वाली है,
ठीक है, और ये इंडी एक्सप्रेस है, वंदे भारत है, ये सारी आ जाती है। अब देखिए सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहली चीज़ वो ध्यान रखिए कि ट्रेन का जो शेड्यूल चलता है वो 24 आवर्स का यानी कि चलता है, यानी कि 24 आवर्स का टाइमिंग यहाँ पर रहता है। ठीक है, इसका क्या मतलब कि जैसे मान लीजिए जैसे पहली यहाँ पर ट्रेन टिकट यहाँ पर दी हुई है, देखिए 1:15 है और यहाँ पर जयपुर से लग रही है ये ट्रेन रात 1:15 का मतलब है रात को 1:15 की ये ट्रेन है। ठीक है, और सुबह ये 6:45 पे दिल्ली मेरे को पहुंचा देगी। अब जो ट्रेन का जो टाइमिंग है टोटल कितनी देर में पहुंचाएगी, ये 5:30 में पहुंचा देगी। ठीक है, तो ये आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप टिकट बुकिंग कराएं सबसे पहले टाइम देख लीजिएगा कि कौन से टाइमिंग के हम बुक कराते हैं। अब देखिए ये दूसरी ट्रेन है वो 2:50 की है और सुबह 7:30 मेरे को दिल्ली पहुंचा देगी। ठीक है, अब ये देखिए एक आश्रम एक्सप्रेस है, आश्रम एक्सप्रेस का टाइम है 4:44 का और सुबह 10:00 दिल्ली पहुंचाएगी। ठीक है, ऐसे गरीब रथ का टाइम है सुबह 6:00 का और ये जयपुर से लगेगी और सुबह 11:00 दिल्ली पहुंचा देगी। 4 घंटे की इसमें जर्नी है। ठीक है, 4:55 की ऐसी डबल डेकर की है और ये वंदे भारत है, भुज एक्सप्रेस है। तो इस हिसाब से आप अपना टाइमिंग देख लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको रात की यात्रा करने में रात को यात्रा करनी है, आपको ट्रेन का सफर करना है तो रात वाली बुक कराइए, और अगर आपको सुबह मॉर्निंग का करना है तो सुबह वाली बुक कराइए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे को जो है यहाँ पे सुबह जैसे मान लीजिए मेरे को ये है, मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ और देखिए मान लीजिए यहाँ पे मेरे को वंदे भारत का है इंडी एक्सप्रेस INDB एक्सप्रेस, इस वाली ट्रेन में मेरे को बुक करानी है, जो कि लगेगी सुबह 6:55 पे जयपुर से लगेगी और मेरे को 12:20 पे दिल्ली पहुँचा देगी, यानी कि सुबह की मॉर्निंग की ट्रेन है 6:55 की और 5:25 के बाद ये मेरे को 12:20 पे यहाँ पे दिल्ली पहुँचा देगी। ठीक है, ये इसमें टाइमिंग बताया, थोड़ा ट्रेन का यहाँ पे 15-20 का आधे घंटे का कुछ ऊपर नीचे होता रहता है टाइमिंग, वो आप देख लीजिएगा। आप वहां पे स्टेशन पे आप पहले ही पहुंच जाइए। अगर आपकी 6:55 की ट्रेन है तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा 6:00 या 6:30 तक आप पहुंच जाइए। ठीक है, इसके बाद पहुंच जाएंगे, इसके बाद देखिए ये वाली जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली मेरे को बुकिंग करानी है तो मेरे को यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे दूसरी चीज़ आती है कौन सा आपको बुकिंग करानी है, आपको स्लीपर बुकिंग कराना है, थर्ड एसी बुक कराना है, सेकंड एसी बुक कराना है या फर्स्ट एसी कराना है। अब देखिए SL का मतलब क्या होता है, SL का मतलब होता है स्लीपर बुक, स्लीपर ट्रेन यानी कि स्लीपर सीट, यहाँ पे स्लीपर अगर बुक करानी तो SL होती है। 3A का मतलब होता है थर्ड एसी में क्या होता है कि थर्ड एसी में आपको थोड़ा ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है लेकिन उसमें थर्ड एसी की सुविधा अच्छी मिलती है। और यहाँ पे देखिए एक सेकंड एसी है, सेकंड एसी में और भी ज़्यादा थोड़ा आपको पैसे देने पड़ते हैं लेकिन उसमें और भी अच्छी सुविधा मिलती है, और फर्स्ट एसी में सबसे अच्छी सुविधा मिलती है। तो इसमें फर्स्ट एसी वाला इसमें नहीं बता रहा मेरे को तो मेरे को जो है यहाँ पे स्लीपर दिख रहा है, थर्ड एसी दिख रहा है, सेकंड एसी दिख रहा है। अब मैं इंटरेस्टेड हूँ केवल आपको समझाने में, मैं आपको केवल पूरा एक्सप्रेस करना चाहता हूँ कि अच्छे से डीपली। तो मैं जैसे मान लीजिए मेरे को यहाँ पे स्लीपर वाली बुकिंग करानी है तो मैं स्लीपर वाले में बुकिंग करानी है मेरे को, तो मैंने इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये 210 की मेरे को टिकट पड़ती है। ठीक है, 27 तारीख की देखिए अवेलेबिलिटी आ रही है इसमें, जिसमें आपको रिकमेंडेड करूंगा, जिसमें आपको ग्रीन कलर का ये जो साइन दिया हुआ है अवेलेबिलिटी AVL जहां लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है अवेलेबिलिटी। तो जो भी ट्रेन टिकट आप जो भी कोच आप बुक करा रहे हैं, चाहे स्लीपर बुक करा रहे हैं, थर्ड एसी करा रहे हैं, सेकंड एसी करा रहे हैं, फर्स्ट एसी करा रहे हैं, उसमें देख लीजिएगा अवेलेबिलिटी कितनी है। अगर आपकी अवेलेबिलिटी है तभी आप बुक कराइएगा, तभी आपका ये जो है ट्रेन टिकट कंफर्म होती है। अब देखिए इसमें मेरे को लगेगा 210 का यहाँ पे पेमेंट लगेगा, तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। हम यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है, आपको नेक्स्ट आता है आपका IRCTC का ID। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन से आप ट्रेन की टिकट बुक कराते हैं तो उसमें IRCTC का अकाउंट होना चाहिए। अगर आपने IRCTC का अकाउंट नहीं बनाया तो यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। IRCTC का अकाउंट बनाना तो बहुत ईजी है, बहुत सिंपल से, आपका बस कुछ प्रोसेस वगैरह करना पड़ता है, वो सब आप जो है आपका ID वगैरह ID पासवर्ड डाल के आप यहाँ पे IRCTC का अकाउंट बना देंगे। IRCTC का अकाउंट बनाने के बाद क्या होगा कि आप किसी भी जैसे कोई भी एप्लीकेशन होता है, जैसे पेटीएम है, फोनपे, गूगल पे है, कन्फर्म टिकट एप्लीकेशन है, किसी भी एप्लीकेशन से आप ट्रेन की टिकट बुक करा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है जो इसने जो IRCTC का ऑलरेडी यहां पे अकाउंट ले लिया। ठीक है, ये मेरा अकाउंट है, ये IRCTC का मेरा यूजर नेम है। अब मैं इस पे एडिट पे क्लिक करता हूं तो देखिए ये मेरा यूजर नेम आ चुका है। आपको क्या करना है, यहां पे IRCTC में अकाउंट बनाना है। IRCTC में अकाउंट बनने के बाद यहां पे आपको अपना यूजर नेम डाल देना है। ठीक है, मेरा ऑलरेडी यहां पे डला हुआ है क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहां से पहले इसमें चेक किया हुआ है, बुकिंग कराई हुई है। इसके बाद नीचे आपको यहां पे बोर्डिंग पॉइंट आ जाता है कि कौन सा बोर्डिंग पॉइंट है आपका। यहां पे देखिए जयपुर जंक्शन से है मेरा, यहां पे जयपुर गांधीनगर से है, ये 27 तारीख की ट्रेन है, 6:25 की ट्रेन है और यहाँ पे चेंज स्टेशन यहाँ पे आ चुका है। अगर आपको स्टेशन यहाँ पे चेंज कराना है तो यहाँ पे आपको चेंज स्टेशन पे क्लिक करके आप अपना स्टेशन चेक कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आना है आपको पैसेंजर डिटेल में आना है और यहाँ पे आपको अपना नेम डाल देना है, आपकी एज डाल देना है और बर्थ प्रेफरेंस में आपको सेलेक्ट कर लेना है कि जैसे मान लीजिए अगर आप अडल्ट हैं और आपको अपर बर्थ लेने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे आप लोअर बर्थ ले सकते हैं, साइड बर्थ ले सकते हैं,
ठीक है, और यह मिडिल बर्थ लेते हैं ना, तो ये आप अपने हिसाब से बर्थ प्रेफरेंस चूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। नेशनलिटी आपकी इंडिया है तो आप इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं अपनी ये सारी डिटेल भर लेता हूँ। देखिए ये पहला पैसेंजर है, अगर आपको ये एक पैसेंजर, अगर आपको एक और आपके दो पैसेंजर आप साथ में जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है ऐड अडल्ट, ठीक है। ऐड अडल्ट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपके जितने भी अडल्ट हैं वो आप सारे अपने भर दीजिए, ठीक है। ऐड अडल्ट पे क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके अडल्ट, जितने भी आपकी टिकट है, जितने भी बंदे आपके जा रहे हैं, जितने भी पैसेंजर आपकी यात्रा करने जा रहे हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले, और यहाँ पे अगर आपका चाइल्ड है तो चाइल्ड की इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ कि कैसे यहाँ पे भरनी है। तो चलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन भर के आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने पैसेंजर की डिटेल्स यहाँ पे डाल दी है, और जैसा कि मैंने आपको बताया अगर आपके पास ज़्यादा अडल्ट आप ट्रैवल करने जा रहे हैं तो यहाँ पे ऐड अडल्ट वाला एक ऑप्शन आता है। तो ऐड अडल्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके जितने भी अडल्ट जो भी लोग यहाँ पे ट्रेन की यात्रा करने जा रहे हैं जिनकी एज 5 ईयर से ज़्यादा है, उन सबकी डिटेल्स यहाँ पे आप डाल दीजिए। और अगर आपके पास चिल्ड्रन भी हैं और साथ में जिनकी एज है, चिल्ड्रन की एज है 0 से 4 ईयर्स के बीच में, यानी 1 मंथ से 4 ईयर्स के बीच में जो भी चिल्ड्रन हैं, जो भी बच्चे आपके साथ जा रहे हैं, तो उनकी डिटेल्स यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। ऐड अडल्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यह आपको इस तरह का खुल जाएगा, और यहाँ पे ऐड चाइल्ड पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का खुल जाएगा। बस आपको सिंपली नेम डालना है, एज डालना है और बर्थ प्रेफरेंस वगैरह सेलेक्ट कर देना सबका। इसके बाद आपको नीचे आना है, ठीक है। तो ये मैंने अभी फॉर एग्जांपल, मैंने अभी के लिए एग्जांपल के तौर पे मैंने एक यहाँ पे पैसेंजर की डिटेल यहाँ पे, मेरी यहाँ पे डिटेल यहाँ पे डाल के आपको बता दी। अब नीचे आना है, नीचे आपको दिखाई देगा, देखें मोबाइल नंबर एक ऑप्शन तो दिखाई देगा, मोबाइल नंबर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, ईमेल आईडी का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है ये मोबाइल नंबर का ऑप्शन और ईमेल आईडी का ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, ये आप ध्यान से इसमें डालिएगा। जो मोबाइल नंबर आप डालेंगे उस मोबाइल नंबर पर आपको ट्रेन की टिकट की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आती है, तो ये आप मोबाइल नंबर ध्यान से डालिएगा जो आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर पे आपको ट्रेन की टिकट चाहिए और ट्रेन की टिकट की डिटेल चाहिए, वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डाल दीजिए। और इसी तरह यहाँ पे आपके पास जो ईमेल आईडी आप डालते हैं, ईमेल आईडी डालेंगे उस ईमेल आईडी पे आपको ट्रेन की टिकट आती है, उसकी पूरी डिटेल आती है। तो ये दोनों जो स्टेप्स है, ये दोनों जो पॉइंट है वो ध्यान से आप डालिएगा, और ये अच्छे से देख लीजिएगा कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, कंफर्मेशन कर लीजिएगा, और आपका ईमेल आईडी भी कंफर्मेशन करके डालिएगा, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट आता है, देखिए इसके बाद नेक्स्ट आता है आपको एडिशनल प्रेफरेंस यानी कि प्रिफर्ड कोच नंबर है तो वो कुछ डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पे नन वाले पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपको ये बोलेगा बुक ओनली इफ एटलीस्ट 1 लोअर बर्थ इज अलोकेट। जैसे मान लीजिए कोई आपके साथ अडल्ट भी जा रहे हैं और उनके बैकमैन वगैरह होता है, तो वो क्या करते हैं, नॉर्मली उनको लोअर बर्थ चाहिए होता है, तो ये आपको एक ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हैं जिसमें बोलेगा बुक ओनली इफ एटलीस्ट 1 लोअर बर्थ इज अलोकेटेड। तो इसमें आप चूज कर सकते हैं जिसमें बोलेगा कि यहाँ पे तभी बुक कीजिए जब आपके पास एटलीस्ट वन लोअर बर्थ अलोकेट किया जाए, तभी आप जो है बुकिंग कीजिए। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है बुक ओनली इफ 2 लोअर बर्थ आर अलोकेटेड, बुक तभी बुक कीजिए जब आपके पास 2 लोअर बर्थ अलोकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शन है, वो आप चूज करिए, अभी के लिए मैंने नन कर दिया इसको। इसके बाद जीएसटी डिटेल्स में आता है, तो यहाँ पे आपकी जीएसटी नंबर वगैरह डाल दीजिए आप, तो ये आपके जीएसटी से रिलेटेड है, तो अगर आपके पास कोई जीएसटी नंबर है तो आप डाल सकते हैं। इसके बाद नीचे आना है आपको, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा फ्री कैंसिलेशन का, FCF मैक्स और आई डोंट वांट फ्री कैंसिलेशन। अब मैं दोनों तीनों का ऑप्शन यहाँ पे बता देता हूँ। पहला वाला जो ऑप्शन है वो है FCF, इसमें बोलेगा एप्लीकेबल ओनली बिफोर चार्ज प्रिपरेशन गेट फुल ट्रेन फेयर रिफंड ऑन कैंसिलेशन। ये बोल रहा है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर आप अपनी ट्रेन की टिकट मान लीजिए किसी कारणवश यहाँ पे आप कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पे आपको फुल रिफंड यहाँ पे मिल जाता है, और यहाँ पे आपको इसके लिए आपको ओनली 50 रुपये पर पैसेंजर पे यहाँ पे करना पड़ेगा, यानी कि एडिशनल यहाँ पे आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पे करना पड़ेगा। और देन क्या होगा, उससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए फ्यूचर में अगर आपको अपनी ट्रेन की टिकट कैंसिल करवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे रिफंड मिल जाएगा, फुल रिफंड यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए फुल रिफंड 210 रुपये का यहाँ पे रिफंड लिखा हुआ है, ठीक है। अब FCF मैक्स का क्या मतलब है, यहाँ पे गेट फुल फेयर रिफंड ऑन कैंसिलेशन प्लस 13 रिफंड ऑफ FCF चार्जेस 54 पर पर्सन। इसमें 54 रुपये पर पैसेंजर यहाँ पे लगता है, अप्रोक्स रिफंड आपको मिलेगा 210 प्लस 13 रुपीज़ का। और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा नो आई डोंट वांट फ्री कैंसिलेशन, अगर आपको कोई फ्री कैंसिलेशन नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप इस पर सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। इसमें आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा नहीं देने पड़ेंगे। तो मैं अभी FCF वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को फुल रिफंड यहाँ पे चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर मैंने ट्रेन की टिकट कैंसिल कराता हूँ तो मेरे को फुल रिफंड उसका मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने पहले वाले ऑप्शन पे चूज कर लिया। अब यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे एक एड्रेस वाला एक ऑप्शन आया था, जो यहाँ पे देखिए एड्रेस पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे जो आपका एड्रेस है तो देखिए यहाँ पे मेरा एड्रेस है, पिन कोड है, सिटी है, स्टेट है, और जो एड्रेस है वो यहाँ पे मेरा आ जाता है। तो ये मैंने सारा डिटेल्स यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। आपको यहाँ पे अपना एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको लिखा हुआ है डू यू वांट टू टेक ट्रैवल इंश्योरेंस, तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा ये आप सेलेक्ट कर दीजिए।
लीजिए। इसके बाद कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन का एक ऑप्शन आता है। इसका क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपने स्लीपर बुक कराया है और स्लीपर बुक कराया है आपने और यहाँ पे कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन वाले ऑप्शन पे आपको चूज़ किया है आपने, जैसे मान लीजिए अगर आपको थर्ड एसी में कोई सीट अवेलेबिलिटी होती है तो वो आपको अपग्रेड कर देते हैं, आपकी सीट थर्ड एसी में अपग्रेड करा देते हैं, या फिर मान लीजिए जैसे थर्ड एसी आपने बुक कराया तो सेकंड एसी में आपकी सीट अपग्रेड कर देते हैं वो, अगर सीट अवेलेबिलिटी होती है तो। और ऐसे सेकंड एसी बुक कराया तो फर्स्ट एसी में अपग्रेड करा सकते हैं, ऑटो अपग्रेड करा सकते हैं अगर आपकी सीट अवेलेबिलिटी होती है फर्स्ट एसी में। तो इस वाले ऑप्शन को आप चूज कर लीजिए। इसके बाद आई एग्री पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ये सारी डिटेल यहाँ पे पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद ये आपको बोलेगा आईआरसीटीसी यूजर आईडी, तो यहाँ पे आपका जो यूजर आईडी है वो यहाँ पे आ जाता है। अगर आपको अपना यूजर आईडी चेंज करना है तो एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपना यूजर आईडी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने जो है ये वाला यूजर आईडी अभी के लिए मैं रख रहा हूँ, इसके बाद ये वाला यूजर आईडी अभी के लिए रख रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा आईआरसीटीसी पासवर्ड, तो ये बोलेगा डू यू रिमेंबर योर आईआरसीटीसी पासवर्ड, तो अगर आपको अपना पासवर्ड याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो आई फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक कर दीजिए, और अगर याद है तो यहाँ पे आपको आई रिमेंबर पासवर्ड इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो इस वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपको टिकट की समरी आ जाती है। टोटल मेरे को अमाउंट देना पड़ेगा 299 रुपये, और देखिए ये अवेलेबिलिटी यहाँ पे आ चुकी है, सीट की अवेलेबिलिटी यहाँ पे आ चुकी है, और ट्रेन की यहाँ पे सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है कि कौन सा बोर्डिंग पॉइंट है और कौन सी यहाँ पे ट्रेन है और कौन सी जो टाइमिंग है वो मैंने आपको सब इसके बारे में बता दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट कंटिन्यू वाले बटन पे आपको क्लिक करना है, तो कंटिन्यू वाले बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे 299 रुपये का मेरे को पेमेंट करना होता है। अब देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे 299 का मेरे को पेमेंट करना है, तो देखिए कंफर्म टिकट एप्लीकेशन में यहाँ पे पेमेंट होता है, तो प्रोसीड नीचे यहाँ पे ऑर्डर आईडी आती है, डेट एंड टाइमिंग आ जाता है, तो प्रोसीड टू पे वाले बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। प्रोसीड टू पे वाले बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए मैं अपना किसी से भी यहाँ पे बुकिंग करा सकता हूँ, मेरा जो बैंक अकाउंट है उससे करा सकता हूँ, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकता हूँ, कार्ड के थ्रू कर सकता हूँ। तो मैं अपना बैंक अकाउंट जो मैंने कनेक्टेड है उसके थ्रू यहाँ पे बुकिंग कराना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने जो है अपना UPI यहाँ पे डाल दिया। UPI डालने के बाद देखिए यहाँ पे जो है पेमेंट हो रहा है, और देखिए यहाँ पे लिखा रहा है पेड 299 फॉर टू कंफर्म टिकट। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग योर पेमेंट पे आ रहा है लिखा हुआ, प्लीज़ वेट यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आपको वेट करना है। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। जो भी आपने IRCTC का अपना जो यूज़र आईडी डाला था उसका जो पासवर्ड है वो यहाँ पे आपको डालना है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है, कैप्चा डालने के बाद सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ और आपको नेक्स्ट प्रोसेस बता दूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है यहाँ पे अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया है, कैप्चा कोड यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए सबमिट वाले बटन पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे बता रहा है कि ट्रेन टिकट बुक यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। देखिए यहाँ पे जो है ट्रेन टिकट यहाँ पे बुकिंग हो चुकी है, यहाँ पे ट्रेन टिकट यहाँ पे बुकिंग हो चुकी है। देखिए यहाँ पे मेरे पास मैसेज भी आ चुका है, और देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे ऑप्शन आता है, यहाँ पे डाउनलोड टिकट का एक ऑप्शन आता है और बुक एंड रिटर्न टिकट का एक ऑप्शन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डाउनलोड टिकट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपकी टिकट यहाँ पे आपके फोन में जो है डाउनलोड हो जाती है, उसकी फाइल डाउनलोड हो जाती है। अब देखिए नीचे जो है इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आती है कि कब से कब तक की ट्रेन है, इसके बाद नीचे आपको आना है, और यहाँ पे बाकी के सारे ऑप्शन हमें आते हैं कि रनिंग स्टेटस क्या है और ये सारी स्टेटस क्या है। तो यहाँ पे आपको पेमेंट यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो पेमेंट आप करते हैं वो यहाँ पे आ जाता है। अब देखिए मैं आपको मैसेज यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैसेज आपको कैसे मिलता है। तो यहाँ पे मैं अपना मैसेज ओपन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे मेरा मैसेज आ चुका है। तो देखिए मेरे पास ये मैसेज आ चुका है कंफर्म टिकट एप्लीकेशन की मदद से, यहाँ पे टिकट बुक PNR नंबर ये है, टिकट PNR नंबर ये है मेरा, और इसमें डिटेल्स क्या है, पैसेंजर की डिटेल्स क्या है, और ये सारी डिटेल्स क्या है, तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप जो है फोन पे एप्लीकेशन की मदद से यहाँ पे जो है ट्रेन की टिकट बुकिंग करा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए अब आपको बैक आना है। बैक आने के बाद देखिए आपको बताता हूँ यहाँ पे आपको क्या करना है। अब आपको फोन पे एप्लीकेशन दोबारा से ओपन करना है। फोन पे एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो देखिए आपको नीचे आना है दोबारा से, और नीचे दोबारा से आपको ट्रेन वाले ऑप्शन पे आना है, और ट्रेन वाले ऑप्शन पे जब आप आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको नीचे ट्रिप्स वाला एक ऑप्शन आया था, तो ट्रिप्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो आपकी जो बुकिंग है ट्रेन की जो आपने बुकिंग कराई है वो यहाँ पे आ जाके देखिए यहाँ पे जो है बुक यहाँ पे लिखा हो रहा है, जयपुर से दिल्ली की मैंने बुकिंग कराई है, तो यहाँ पे इसकी जो है ये डिटेल्स आ गई है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है कि कब से कब तक की मैंने बुकिंग कराई है और क्या कितने पैसे यहाँ पे किए हैं। तो इस तरह से आप फोन पे एप्लीकेशन की मदद से यहाँ पे आपने जो है ट्रेन की टिकट बुकिंग करा सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा। कोई भी आपको क्वेश्चन है सुझाव है नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन, तब तक के लिए बोलते रहे हर महादेव शंभु जी अपने नाथ।